नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं संगम रॉय। आज हमारे साथ हैं सबो विद्यालय के संस्थापक निखिल राज। यह बहुत ही महान कार्य करते हैं। इनका जो स्कूल है वो अनाथ बच्चों और गरीब बच्चों के लिए है। आइए मैं इनसे जानती हूं ये सोच के पीछे इनका क्या कार्य करते हैं। जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और केशव जी का बेगूसराय टुडे के ऑफिस में बुलाने के लिए। जी, सबों का विद्यालय जब शुरू किया गया था तो ऐसा नहीं सोचा गया था कि हमारे साथ लगभग 200-250 बच्चे आएंगे। सबसे पहले शुरू किया गया था कि कपस्या जो रोड है वहाँ पे शुरू किया गया था। और एक दिन संजोग बस मैं वहाँ से पास कर रहा था तो मैंने देखा और वहाँ के लोगों से, उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता से पूछा कि क्या ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे तर्क दिए जो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। जैसे कि कुछ माता पिता ने बोला कि बच्चों का अपहरण हो जाता है या फिर बच्चे रोड एक्सीडेंट में NH पार करने समय एक्सीडेंट हो जाते हैं उनका, इस कारण से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्योंकि उनके आसपास में भी स्कूल है, दो स्कूल हैं, एक ममता होटल स्कूल के पास है और एक नागदा में है, तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो मैंने शुरुआत की थी इसकी। एक आप कहते हैं इंस्टेंट डिसीजन था और सुधांशु जी हमारे साथ इसमें सहयोगी थे। सुधांशु जी चट्टी रोड में जिनका घर है, तो उनके सहयोग से सबों का विद्यालय आज शुरू हुआ। उम्मीद नहीं था कि आज 150 से 200 बच्चे आज पढ़ पाएंगे, मगर आज 150-200 बच्चे हमारे विद्यालय में मुफ्त पढ़ रहे हैं। क्या सोचे थे जो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाए, और भी कोई कार्य हो था? कोई खास कारण नहीं था। ये धीरे धीरे लोगों का प्यार, बेगूसराय वासियों का प्यार मिला। पहले हमने कपस्या वाली विद्यालय चलाई, फिर ज्ञान भारती के पास हमने खोला, तो ज्ञान भारती वाले बच्चे कपस्या बुला लिए जाते हैं ई रिक्शा के माध्यम से। और फिर बाघा वाले विद्यालय को शुरू किया गया, तो बाघा वाले विद्यालय में अत्यधिक बच्चे थे। और चूंकि वहाँ का माहौल उस प्रकार से पढ़ने लायक नहीं था और वहाँ काफ़ी निम्न वर्ग के लोग रहते थे और जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ थे अच्छे स्कूलों में, तो वहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो उसमें अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ से भी बच्चे आते हैं? आप अगर कपस्या वाले बच्चे को देखें तो ज्ञान भारती के जो पास जो मसूरी स्कूल है, आप ज्ञान भारती स्कूल कह सकते हैं, तो वहाँ पे लगभग 8-10 बच्चे वहाँ थे। और कपस्या वाले विद्यालय की जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पे लगभग 35 से 40 बच्चे, तो आप अमूनन 45 बच्चे ले सकते हैं। 45 बच्चे कपस्या वाले बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। और बाघा वाली विद्यालय की बात करें जो कि सुपर्स कॉलोनी कही जाती है, वहाँ पे जो भी नगर निगम के थ्रू स्वीपर का काम करते हैं उन्हें वहाँ पे रखा जाता है, तो वहाँ पे लगभग 100 से 125 बच्चे वहाँ रोज़ाना पढ़ने आते हैं। तो टोटल में आप कह सकते हैं 150+ बच्चे हमारे विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं मुफ्त। बच्चे उसी आसपास के माहौल से हैं, घर उनका 5-10 मिनट की दूरी पे या 15 मिनट की दूरी पे ही आसपास में ही है। उस स्कूल में किस तरह का पढ़ाई बच्चों के लिए होता है? देखिए, पढ़ाई की मैं क्या बात करूं, अगर आपको किसी तरह का भी संदेह लगता है तो आप ज़रूर विद्यालय आए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी अगर बात करें प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे लगभग 1.5-2 साल में गिनती सीखते हैं, या फिर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, A for Apple, B for Ball, या फिर हिंदी वर्णमाला आप कहते हैं A से Anar, A से Aam, इसे सीखने में लगभग 1.5-2 साल छोटे बच्चे को लग जाता है। मगर अभी हमारे विद्यालय की शुरुआत महज 5 महीने पहले हुई है, मगर अगर आप अभी के बच्चों को देखेंगे तो अभी बच्चे गिनती भी कर लेते हैं, हिंदी वर्णमाला भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी बोल लेते हैं। और कुछ बच्चे आप कह सकते हैं लगभग 20-25% बच्चे आप किताब पढ़ भी लेते हैं, किताब रीडिंग भी कर लेते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि 4-5 महीने में ही बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। आपके प्रति या स्कूल के बच्चों के प्रति लोगों का कैसे सहयोग रहा? बेगूसराय वासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। अगर आप नाम लेना तो संभव नहीं है, काफ़ी लोगों ने मदद किया। सबसे ज़्यादा मदद की किशन गुप्ता जी और गणेश गुणवंत सर ने। काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, धीरे धीरे करके लोग जुड़ने लगे। और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब मैं उसे सोशल मीडिया के थ्रू डाल देता था और जो भी लोगों को बन पाए वो हमें देते थे। तो बेगूसराय के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है सबों का विद्यालय के आज 5 महीने पूरे होने पे। बहुत ही अच्छा है, ये सक्सेसफुल इन्हीं के कारण हो पाया है।
अगर कोई लोग आपको मदद करना चाहते हैं, स्कूल को कुछ बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे आपसे जुड़ पाएंगे? अगर कोई भी लोग सबोका विद्यालय से जुड़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर किसी ना किसी रूप में, आप सोशल मीडिया पे मेरी नंबर दी होगी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली विद्यालय पे, या आप बाघा पे आना चाहते हैं, बाघा वाले विद्यालय पे, या फिर कपस्या वाले विद्यालय पे आके आप दे सकते हैं, या फिर मैं साई की रसोई बेगूसराय से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे वन ऑफ द संस्थापक आप कह सकते हैं, 5 लोग ने मिलकर जो मुहिम शुरू की थी उनमें से मैं एक हूँ, तो आप साई की रसोई पे भी मुझे रोज़ाना आप मुझसे मिल सकते हैं, 8 बजे शुरू होती है साई की रसोई, और 8 से 8:30 बजे के बीच में आप हमसे साई की रसोई में भी मिल सकते हैं। तो आप साई की रसोई के संस्थापक भी हैं? जी हाँ, साई की रसोई के संस्थापक आप किशन गुप्ता जी का नाम आता है, नीतीश रंजन जी हैं, अमित जायसवाल जी, पंकज जी और निखिल राज मैं हूँ जी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।